नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अ टेम्पल ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हिस्ट्री की हम सीरीज चला रखी थी, उसके 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में उसको जाके देख सकते हैं। अब पार्ट 6 में आज हम बात करेंगे मौर्य पीरियड की। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य पीरियड हिस्ट्री में, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित आते हैं, या फिर अशोक के अभिलेख से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एमटीएस के एग्ज़ाम, एमटीएस के फॉर्म भी निकल चुके हैं, अब एमटीएस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके लिए भी ये सीरीज़ बहुत लाभदायक साबित होगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं आज हम, ठीक है। अपनी इस सीरीज़ का इस पार्ट में मौर्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, वो स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और किसकी सहायता से दोस्तों? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से इसने धनानंद को हराया, और धनानंद को हराने के बाद जो मगध की गद्दी थी उस पर काबिज हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है? तो वो दोस्तों विशाखदत्त का है। विशाखदत्त का जो ग्रंथ है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस किसने बताया? तो ये बताया दोस्तों विलियम जोन्स ने। किसने बताया है? विलियम जोन्स। सेंड्रोकोटस जो ये शब्द है दोस्तों, ये यूनान भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये किया है दोस्तों जस्टिन ने। किसने किया है? जस्टिन। ये भी यूनानी लेखक था, जस्टिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये हम बात कर चुके, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, और कौटिल्य भी हम इसे बोलते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य सब इन्हीं के नाम है, और इनको दोस्तों भारत का मैक्यावेली भी बोला जाता है। भारत का मैक्यावेली, भारत का मैक्यावेली बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चाणक्य को भारत का मैक्यावेली बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। मतलब कि ये राजनीति से संबंधित है, किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए एक राजा को, उससे संबंधित ये ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये हमने देख लिया, किस पे? राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। और जो ये अर्थशास्त्र है दोस्तों, इसी में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। इसी में सप्तांग, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित जो सप्तांग सिद्धांत है वो किसके द्वारा उल्लेखित किया गया है? तो वो कौटिल्य के द्वारा उल्लेखित किया गया है। कौन से ग्रंथ में? अर्थशास्त्र में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ये हमने देख ही लिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जो महल बना था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो लकड़ी का बनाया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जो कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र के। किसके? पाटलिपुत्र के प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाँ, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। जो बुलंदी बाग था वो प्राचीन स्थान कहाँ था? वो था पाटलिपुत्र में। कहाँ था? पाटलिपुत्र। और जो पाटलिपुत्र वाला एरिया है दोस्तों, वर्तमान का पटना वाला जो क्षेत्र है, उसी को पाटलिपुत्र बोलते थे प्राचीन काल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो
जो दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो की थी चंद्रगुप्त ने। किसने प्राप्त की थी? दक्कन की प्राप्त जो जीत थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। दक्कन हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, इन सभी जगह पर विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यही है। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा अभिलेख है? तो वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और ये है गुजरात में दोस्तों, इसको नोट कर लेना। कहाँ है ये? गुजरात में। जो रुद्रदामन का अभिलेख है वो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो हमने देखा भी अभी जो रुद्रदामन अभिलेख था वो गुजरात में स्थित है, तो उसी से पता चलता है कि अगर वहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस पर किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यों का ही शासन था। ठीक है, और इसी के अनुसार जो रुद्रदामन शिलालेख है, इसी के अनुसार हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का नाम करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कहाँ पे? सौराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलुकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसको हराया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था, और जीत के पश्चात चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी भेंट में दिए थे, और सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया था। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं हेलना किसकी पुत्री थी? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और सेल्यूकस निकेटर कौन था? अलेक्जेंडर का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार का राजधर्म की स्थापना की? तो ये की थी दोस्तों अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। अशोक ने, अशोक ने ही धम्म का पालन सिखाया था दोस्तों। किसका? धम्म का। धम्म धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है, इसको हिंदी लैंग्वेज में धर्म बोलते हैं। ठीक है, तो धम्म जो सिखाया था वो किसने सिखाया था? अशोक ने सिखाया था। किसके पश्चात? कलिंग विजय के पश्चात। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में दोस्तों श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। कौन सा? श्रीलंका। अफगानिस्तान भी था, और कलिंग पर विजय भी की थी, और बिहार में तो इनका शासन ही था, पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी थी। एक बात और याद रखना दोस्तों, श्रीलंका में इसने अपने पुत्र, किसने? अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था, ये बात आप याद रखना। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध हेतु होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? इसका प्रमाण है दोस्तों जो उन्होंने उपाधि धारण की थी देव नाम प्रिय की, जो देव नाम प्रिय की उपाधि उन्होंने धारण की थी, उससे पता चलता है कि हिंदू धर्म में भी इनकी आस्था जुड़ी हुई थी बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये तो हमने जब बात कर ली, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, कि पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रज्जुक, जो रज्जुक थे वो कौन थे? वो थे मौर्य शासन में अधिकारी। कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी, और इनको ये ऑर्डर दिया गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक राज्यों का भ्रमण करना है, और वहाँ पे किस तरह का शासन चल रहा है उसकी जानकारी किसको देनी है? राजा को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सार्थवा किसे कहते हैं? जो सार्थवा शब्द है दोस्तों उसका मतलब है व्यापारियों का काफिला। क्या है उसका मतलब? व्यापारियों का काफिला। दोस्तों जो ये क्वेश्चन चाहिए सारे अभी हाल ही के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये रिपीट हो सकते हैं 100%, तो इनको बिल्कुल घूंट घूंट के पी जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण कराया था वो अशोक ने कराया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है वो है सांची का स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था, और जो सांची का स्तूप है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अशोक ने। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो जो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृत। देखो दोस्तों, भाषा है प्राकृत, लेकिन अगर लिपि पूछ ले तो चार तरह की लिपि है। कि कितनी तरह की लिपि है? चार तरह की लिपि है। कौन कौन सी? अरामेइक है, खरोष्टी है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। ये सारी लिपियां हैं जिनमें इसके अभिलेख लिखे गए। लेकिन अगर मैं बात करूं जो भारत में अभिलेख लिखे गए हैं उनकी लिपि कौन सी है, तो उनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में पूछ लिया दोस्तों, जो खरोष्टी लिपि है वो है सहबाजगढ़ी का। कहाँ का? सहबाजगढ़ी। और इसके साथ साथ एक और अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में, वो है मानसेहरा। मानसेहरा। तो दो कौन से अभिलेख खरोष्टी लिपि में दोस्तों? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो जो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे वो अशोक ने लिखवाए थे, और अभी हमने देखा वो कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से प्राप्त किया गया है? अक्षरों से किया गया, तो ये किया गया पत्थर की पट्टियों पर। किस पर? पत्थर की पट्टियों पर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी खोज किसने की थी, तो जो खोज हुई थी वो हुई थी 1750 ईस्वी में। कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। किसके द्वारा? टिफेन थेलर नामक व्यक्ति के द्वारा। टिफेन थेलर, इनका पूरा नाम है टिफेन थेलर। इन्होंने जो है दोस्तों खोज की थी अशोक के शिलालेखों की, लेकिन पढ़ा किसके द्वारा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आगे देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, भी हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो वो स्थान है दोस्तों अनुराधापुर। कौन सा? अनुराधापुर। इसको याद रखना दोस्तों, सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई की ओर लिखी जाती है? तो ये खरोष्टी लिपि दोस्तों। कौन सी? खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि के अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सहबाजगढ़ी और मानसेरा से। दोनों स्थान वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह कौन सा नाम है? प्रियदर्शी के नाम से जो इनके शिलालेख लिखे जाते थे दोस्तों, उनमें प्रियदर्शी नाम लिखा जाता था राजा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो जो उनके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, इसका मतलब ये है कि कौन से अभिलेख में अशोक जो सम्राट था उसका नाम अशोक मिलता है, ना कि प्रियदर्शी मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों मास्की अभिलेख में। किसमें? मास्की अभिलेख में। इसके अलावा रुद्रदामन जो अभिलेख है उसमें भी अशोक नाम ही मिलता है। उसके अलावा एक गुजर्रा अभिलेख है, उसमें भी अशोक नाम मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो ये मास्की का लघु शिलालेख। आगे बढ़ते हैं, अशोक का रुमन्दे स्तंभ संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों बुद्ध के जन्म से। किससे? बुद्ध के जन्म से। क्यों? क्योंकि जो ये अभिलेख है इसमें लुम्बिनी का वर्णन है। किसका? लुम्बिनी का वर्णन है, और हमें पता है लुम्बिनी में जन्म किसका हुआ था? बौद्ध का हुआ था। आगे बढ़ते हैं, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है वह कहाँ स्थित है? वो दोस्तों मध्य प्रदेश के दातिया जिले में, मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। और जो जयपुर में है, जयपुर में है भाभरू अभिलेख, याद रखना भाभरू अभिलेख। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, भाभरू अभिलेख जयपुर में स्थित है। और
जो ये गुर्जरा लघु शिलालेख है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो जो मगध का सम्राट अशोक ने स्वयं को बताया वो बताया बाबरू स्तंभ में। किसमें? बाबरू स्तंभ। और बाबरू स्तंभ को ही बोलते हैं बैराट शिलालेख या बैराट स्तंभ। बैराट स्तंभ भी इसको बोलते हैं। किसको? बाबरू स्तंभ को। आगे बढ़ते हैं। कालसी प्रसिद्ध है, तो जो कालसी है वो अशोक का शिलालेख है एक उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी यही है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? ये मिलती है कालसी, उत्तराखंड के देहरादून में से प्राप्त है, ये मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की विजेता शतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होता है? ये मिलता है 13वें शिलालेख से। किसमें? 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग विजय का वर्णन है, और इसी में अशोक ने बताया है कि 1 लाख व्यक्तियों की हत्या हुई थी कलिंग की विजय के समय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो चोल का भी है, सतीपुत का भी है, पांड्य के सातवाहनों का नहीं है दोस्तों। किसका नहीं है? सातवाहनों का। सातवाहनों का उल्लेख नहीं है क्योंकि सातवाहन तो मौर्य के बाद आए थे, तो उनका उल्लेख कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये तो कॉमन सेंस हो जाता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टालेमी फिलियाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे कहाँ का शासक था? तो ये दोस्तों मिस्र का शासक था। कहाँ का? मिस्र का शासक था। आगे बढ़ते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो ये भी कहाँ का था दोस्तों? ये भी मिस्र का ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो ये मौर्यों के थे। ये अभी हमने देखा अशोक के जो मिस्र के दो राजा थे, टालमी फिलियाडेल्फस और तुर्मे के साथ इनके संबंध थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये जो मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगस्थनीज। और जो मेगस्थनीज था वो सेल्यूकस का राजदूत था, जो सेल्यूकस था जिसकी पुत्री हेलना के साथ सेल्यूकस। सेल्यूकस का कौन था? राजदूत था कौन? मेगस्थनीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो मेगस्थनीज ने बताया था कि भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित है, लेकिन जो रियलिटी थी वो थी कि वो 4 वर्ण व्यवस्था में विभाजित था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, ये हमने बात कर ली मेगस्थनीज की इंडिका में। आगे बढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो जो पाटलिपुत्र का प्रशासन है दोस्तों वो इंडिका में है, सॉरी अशोक शिलालेख में नहीं, इंडिका में। जो इंडिका है किसकी? मेगस्थनीज की जो किताब है इंडिका, उसमें इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो जो नगर प्रशासन का वर्णन प्राप्त होता है वो भी मेगस्थनीज की इंडिका से ही प्राप्त होता है, मेगस्थनीज की इंडिका से। एक बात और याद रखना दोस्तों, जो मेगस्थनीज की इंडिका थी इसी में पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा बताया गया है। पोलिब्रोथा नाम मिला है पाटलिपुत्र का, पोलिब्रोथा। माना जाता है कि जो ये नाम था ये यूनानी भाषा में, पाटलिपुत्र का यूनानी भाषा में नाम था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण कराया था, ये बात हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें दोनों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है किसकी? कौटिल्य की। उसमें न तो किसी भी मौर्य राजा का नाम है, ठीक है दोस्तों, और न ही पाटलिपुत्र का वर्णन है कि भाई पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। ये बात याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन मिलेगा अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो ये संबंधित थे मौर्य काल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हाल ही के एग्जाम्स में
आ चुके हैं और इनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले MTS NTPC एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही जब हमारी कोई नई वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।